हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ के इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि फाइनल टर्म के लिए है। तो आइए पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पेपर पैटर्न हमारा किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों, पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 घंटे की दी जाएगी। सेक्शन ए जो है वो टोटल 15 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले जो है वो आपको पैसेज दिया जाएगा। 5 नंबर का है ये, ठीक है। आपको पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद इसके आंसर्स जो है वो बताने हैं, ठीक है। गार्बेज इज अ ग्रेट एनवायरमेंटल हैजार्ड बिकॉज इट मेक्स द प्रीमिसेस। अब जो गार्बेज है वो प्रीमिसेस को कैसा बना देता है, ठीक है, वो अगली बनाता है, अनकेम्प्ट एंड ब्रीड्स डिजीज, ठीक है। तो अगली अनकेम्प्ट एंड ब्रीड डिजीज, तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, व्हाट हैपेंस टू द डिस्पोज्ड मटेरियल एट द रिसाइकलिंग सेंटर। तो रिसाइकलिंग सेंटर पे जो डिस्पोज्ड मटेरियल होते हैं उनका क्या इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, उनको घर भेज दिया जाता है वापस, या एक न्यू शेप दिया जाता है, नदियों में फेंक दिया जाता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो एक न्यू शेप दिया जाता है उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी मेक यूज ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर। तो जो वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर है, चीजें जो कि सड़गल सकते हैं, उसे ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। तो जैसे पत्तियां हो गई, ठीक है, या जो फ्लावर्स वगैरह हो जाते हैं, तो ये सारे ऑर्गेनिक मैटर है। तो इनको हम, इसका यूज कैसे कर सकते हैं, इसे जंग के पास नहीं भेज सकते, ठीक है, क्योंकि वो इसे नहीं खरीदेंगे। बर्न इट, इसको जलाने से पोल्यूशन क्रिएट होगा। चेंज इट इंटू वैल्यूएबल मैन्योर, इसकी खाद बनाई जा सकती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, गार्बेज का प्रॉपर डिस्पोजल करने से क्या होगा, पॉल्यूशन फैलेगा, पॉल्यूशन बचेगा, या मिनरल वेल्थ जो है वो खराब होगा, या नन ऑफ दीज। तो पॉल्यूशन प्रिवेंट होगा, ठीक है, पॉल्यूशन कम करने में हेल्प करेगा। द ऑर्गेनिक वेस्ट दैट कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड इज, तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जिसको कि हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, पर ये वेस्ट आएगा सिर्फ, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं, सिर्फ वेस्ट आएगा। तो ये ऑल ऑफ पेपर को भी रिसाइकल किया जा सकता है, ग्लास को भी और मेटल को भी, तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको ये पोस्टर जो है वो ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, और उसके बाद आंसर करना है। व्हेन विल द शो बी ऑर्गेनाइज, शो जो है वो कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। तो पपेट शो ऑन 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर कैन यू परचेज टिकट फ्रॉम, आप टिकट जो है वो कहाँ से खरीद सकते हो। टिकट्स अवेलेबल एट द स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी से जो है वो ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन विल द पपेट शो बिगिन, पपेट शो जो है वो कब स्टार्ट होगा, तो एट 11:30 AM, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑर्गेनाइजिंग द पपेट शो, पपेट शो जो है वो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ये पपेट शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वर्टिकल लिमिट्स पब्लिक स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वेन्यू ऑफ द शो, कहाँ पर ये जो है वो मतलब ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा तृप्ता देवी मेमोरियल ऑडिटोरियम में, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको ये कॉन्वर्सेशन जो है वो ध्यान से पढ़ना है, और उसके बाद जो है वो आपने इसका आंसर जो है वो करना है, ठीक है। तो इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, द फायर स्टार्टेड बिकॉज ऑफ, तो फायर जो है वो क्यों स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो पैसेज को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, फायर जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से स्टार्ट हुआ था। हु कॉल्ड द फायर सर्विस, फायर सर्विस को किसने बुलाया था, तो वो बुलाया था मिस्टर शर्मा ने, ठीक है, मिस्टर शर्मा, ये वाला गलत है, मिस्टर सिंह। अगला क्वेश्चन है, द फायरमैन यूज्ड होसेस टू, जो फायरमैन है वो होसेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि पानी को स्प्रे किया जा सके, ठीक है, जहां पर भी आग लगी है वहां पे पानी जो है वो स्प्रे किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिल्डिंग्स वर रिड्यूस्ड टू एशेस, कितनी बिल्डिंग्स जो है वो जलकर राख बन गई थी, सिर्फ एक बिल्डिंग, ठीक है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फायरमैन वर सक्सेसफुल इन, फायरमैन जो है वो किस चीज में सक्सेसफुल हो गए थे, फायर को कंट्रोल करने में भी हुए थे, सेविंग द पीपल कॉट इन फायर, लोगों को बचाने, जो लोग आग में से में फंस गए थे, ठीक है, उनको बचाने में भी सक्सेसफुल रहे, बिल्डिंग को बचाने में भी सक्सेसफुल रहे थे, तो ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। जो सेक्शन बी पार्ट है बच्चों, वो लिटरेचर और वोकैबुलरी का है। इसमें जो है वो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, 5 क्वेश्चन पूछा गया है, किसी 3 क्वेश्चन के आपने जो है वो आंसर यहाँ पर
करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है, व्हाई डिड द फार्मर बाय द वेल, जो फार्मर है उसने जो वेल है वो क्यों खरीदा था। ये चैप्टर रेंट फॉर वाटर से लिया गया है। द फार्मर बॉट द वेल टू वॉटर हिज फील्ड, अपने खेतों में पानी डालने के लिए जो है उसने कुआं खरीदा था। हाउ मच मनी डिड अकबर अग्री टू गिव टू टू द ब्राह्मिन, तो अकबर जो है वो कितना पैसा जो है वो ब्राह्मिन को देने के लिए राजी हो जाते हैं बीरबल्स खिचड़ी में, ठीक है। तो अकबर अग्री टू गिव 2000 गोल्ड क्वाइन, 2000 जो है वो सोने के सिक्के जो है वो ब्राह्मिन को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फर्स्ट इंडियन रीच द पीक, तो सबसे पहला इंडियन जो है जो कि पीक पे पहुंचे थे उन वो मतलब कि कब पहुंचे थे, ठीक है। तो वो पहुंचे थे May 20, 1965 में। नेक्स्ट जो है वो द प्रिंसेस हु नेवर स्माइल्ड से लिया गया क्वेश्चन, हु वाज इवान, इवान कौन था, तो इवान जो है वो पुअर बॉय था, गरीब लड़का था जो कि हु वर्कड फॉर अ फार्मर, जो कि एक किसान के लिए काम किया करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सागर फील स्केयर्ड इन द फॉरेस्ट, सागर को जंगल में डर क्यों लग रहा था, अ ट्रेजर हंट से लिया गया है। बिकॉज द फॉरेस्ट वॉज डेंस एंड डार्क, क्योंकि जंगल जो है वो बहुत ही घना और अंधेरा था वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें जो वर्ड आपको दिया गया है उसका जो मीनिंग है वो अपने या तो पंजाबी में या हिंदी में देना है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है और सिर्फ 3 के ही आंसर करने हैं आपने, ठीक है। तो जो सबसे पहला वर्ड आपसे पूछा गया है वो है प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब होता है निवेदन करना, पैसेंजर यानी कि यात्री, फ्रोजन यानी जमा हुआ, अटेंशन यानी ध्यान, अचीवमेंट यानी उपलब्धि, क्लिम्बर यानी पर्वतारोही, ठीक है, जो पर्वत पर चढ़ते हैं। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, ठीक है। आपको वर्ड को जो है वो फिल करना है, इसमें एक एक नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बीरबल वॉज डैश वॉइस, बीरबल वॉज, बीरबल जो है वो कैसा था, मतलब वॉइस कैसा था, ट्रूली वॉइस, ठीक है। उसके बाद द बॉय वॉज हंग्री एंड, जो लड़का था वो भूखा था और साथ में प्यासा भी था, प्यासे को क्या बोलते हैं, थर्स्टी। द हंटर फाउंड, हंटर को क्या मिला था, बक मिला था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें सेंटेंस आपने फ्रेम करना है, किसी 3 के करने हैं, ठीक है। जर्नी, अ जर्नी ऑफ 1000 miles बिगेन विद अ सिंगल स्टेप, स्ट्रगल, द कंपनी इज स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल, अचीवमेंट, ये आप सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब सीधा आ जाते हैं हम लोग 8th क्वेश्चन पे, चूज अ आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आपने करेक्ट आंसर जो है वो चूज करना है। द लिटिल बॉय वॉज डैश बाय अदर बॉयज, तो लिटिल बॉय जो था, ठीक है, वो क्या किया जाता था, वो नापसंद किया जाता था यानी डिसलाइक किया जाता था दूसरे लड़कों द्वारा। नेक्स्ट है द हाइएस्ट पॉइंट ऑन द प्लेनेट इज, तो हाइएस्ट पॉइंट जो प्लेनेट पर है वो कौन सा है, वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द स्टेंजा, स्टेंजा को पढ़ते हुए किसी 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। नेम द पोएम एंड द पोएट, तो ये कौन से पोएम से लिया गया है, द हंटर एंड द डियर, और पोएट का नाम एनोनिमस यानी कि पोएट अज्ञात है यानी हमें पता ही नहीं कौन है, ठीक है। अगला है व्हाट डिड द हंटर डू विद द डियर, तो हंटर जो है वो डियर के साथ जो है मतलब कि क्या करता है, द हंटर गैदर्ड सम नट्स एंड फेड द बक, तो वो क्या करता है, वो कुछ नट्स जो है वो इकट्ठा करता है और उसे बक को खिला देता है। हाउ मच टाइम डिड हंटर स्टे विद द डियर, कितना टाइम वो डियर के साथ रुका था, वो मतलब कि थोड़ा टाइम ही रुका था। तो अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड ही स्माइल अ बिग स्माइल, वो जो है वो बड़ी सी मुस्कान जो है वो क्यों देता है, ही स्माइल अ बिग स्माइल टू सी द बक विदाउट फियर, क्योंकि वो ये देख के खुश हो रहा था कि जो बक है वो उससे जो है वो मतलब कि बिना डरे उसके पास जो है वो आ रहा है, ठीक है, बक को अब डर जो है वो नहीं लग रहा। अगला क्वेश्चन है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट प्लेसेस डू द ट्रेन गो टू, तो जो ट्रेन है वो कहाँ कहाँ से जाती है, तो ट्रेन जो है वो माउंटेन्स, प्लेन्स और रिवर्स से जाती है, ठीक है। व्हाई डू, व्हाट डू दे कैरी, वो क्या अपने साथ जो है वो कैरी करता है, दे कैरी पैसेंजर, यात्रियों को लेकर जाता है, गुड्स यानी सामान लेके जाता है, और प्रीशियस जो लोड है, कीमती जो लोड होता है उसको लेकर जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द हंटर वॉन्ट टू ईट, हंटर क्या खाना चाहता था, द हंटर वॉन्ट टू ईट सम डियर मीट, वो डियर का मांस खाना चाहता था। अगला क्वेश्चन है व्हाट कंफर्म्ड दैट पोएट्स फियर अबाउट द क्वेक, इस वजह से जब वो कंफर्म हो जाता है कि पोएट को जो है वो मतलब डर था क्वेक का, ठीक है, अर्थक्वेक का। अ ट्रेम्बलिंग फैन कंफर्म्ड हिज फियर अबाउट द क्वेक, जो मतलब कि
ट्रेम्बलिंग यानी शेकिंग कह सकते हो, जो फैन जो है वो शेक हो रहा था, तो उससे जो है वो उसका उसका डर जो है वो कंफर्म हो जाता है कि उसे जो है वो डर से मतलब क्वेक से अर्थक्वेक से डर लगता है। ठीक है, सेक्शन सी जो है वो 40 मार्क्स का है, इसमें ग्रामर भी आएगा और कॉम्पोजिशन भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूयॉर्क इज अ बिग सिटी, न्यूयॉर्क जो है वो एक बड़ी सिटी है। ठीक है, इसमें जो बिग वर्ड है ये क्या है, तो ये जो है वो बच्चों क्या है, बिग जो है वो विशेषता है सिटी की। ठीक है, तो ये जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब, एडवर्ब जो है वो फिल करना है, वर्ब की जो विशेषता बताए यानी काम की विशेषता बताए वो एडवर्ब होता है। ठीक है, समीर वेंट डैश टू द हॉस्टल, तो समीर वेंट हैप्पीली टू द हॉस्टल, वो बहुत ही खुशी खुशी जो है वो हॉस्टल चला गया। ठीक है, अगला है इसमें कंजक्शन फिल करना है, कंजक्शन क्या होता है, जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। यू विल गेट द अवार्ड, तुम्हें अवार्ड जो है वो मिलेगा, यू डिजर्व इट, तुम उसे डिजर्व करते होंगे। ठीक है, क्योंकि बट येट ये सब तो आ नहीं सकता, तो इफ जो है वो इसका आंसर होगा। अगला है यूज सुटेबल प्रीफिक्स टू द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, तो इसमें इस वर्ड को जो है वो करेक्ट प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स होता है प्री मतलब पहले होता है, तो वर्ड के पहले जो है वो लगाया जाएगा। ठीक है, तो क्या लगाया जा सकता है लाइक के साथ, तो लाइक के साथ हम लोग डिसलाइक लगा सकते हैं, डी लाइक नहीं होता, एंटी लाइक भी नहीं होता, ऑटो लाइक भी नहीं होता, है ना, तो डिसलाइक, आई डिसलाइक हिम फॉर हिज रूड बिहेवियर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है विच टाइप ऑफ नाउन इज द अंडरलाइन वर्ड, तो जिस वर्ड को अंडरलाइन किया गया है वो किस तरीके का नाउन है, तो राम जो है किसी का नाम है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करने का एक ये भी तरीका होता है, ये जो वर्ड होता है चाहे सेंटेंस में कहीं पर भी आए, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, ये किस तरीके का सेंटेंस है ये आपने जो है वो पहचानना है। ठीक है, शी इज नॉट अ क्लेवर गर्ल, नॉट लग गया यानी नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट, यहाँ पे इज एम आर आएगा। ठीक है, यहाँ पे इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है माई फादर। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या आएगा, इज वॉचिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि अभी प्रेजेंट में लगा रहे तो इज आएगा। ठीक है, वॉच तो आ ही नहीं सकता, ये वॉच जो है वो भी पास्ट का बन गया। अब इज और हैव में जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर लगता है, तो इज वॉचिंग जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिल अप द सुटेबल आर्टिकल, आर्टिकल जो है उसको फिल करना है हमने, दिस इज इंटरेस्टिंग टॉय, तो बच्चों ये जो वर्ड है इसको देखना है हमने, इसको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, इन है ना, तो ई का साउंड आ रहा है और ई का साउंड आ रहा है, इसका मतलब जो है अगर देखो कोई भी साउंड जो है मात्रा वाला हिंदी जैसे अ से लेकर जो आपका अहदक है, ठीक है, वहां तक कोई भी साउंड आता है तो वहां पर एन जो है वो लग जाता है। ठीक है, सेंटेंस क्या बन गया, दिस इज एन इंटरेस्टिंग टॉय। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है यूज सुटेबल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सुटेबल डिग्री जो है वो यूज करना है, द एलिफेंट हैज द डैश ट्रंक, तो एलिफेंट के पास जो है वो किस तरीके का जो है वो ट्रंक है, द एलिफेंट हैज द लॉन्गर ट्रंक। ठीक है, अब लॉन्गर भी नहीं आएगा, द एलिफेंट हैज द लॉन्गेस्ट ट्रंक आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो द लगा हुआ है। ठीक है, देखो लॉन्ग होगा जब हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे अगर सिर्फ ये सेंटेंस होता कि एलिफेंट के पास लंबी सूंड है तो एलिफेंट हैज लॉन्ग ट्रंक, ठीक है, वहां पे द नहीं आता। अगर यहाँ पर दैन लगा होता किसी और एनिमल से कंपेयर कर रहे तो दैन वर्ड का इस्तेमाल होता, तो हम जो है वो कह सकते कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते। जब द लग गया सेंटेंस में तो हम जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे और आंसर जो है वो लॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटरमिनर्स, सुटेबल डिटरमिनर्स को फिल करना है, आई बॉट डैश एप्पल्स फ्रॉम डिश शॉप। ठीक है, ये डिश शॉप नहीं होगा, डिश शॉप होगा, डिश शॉप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या आएगा, आई बॉट फ्यू एप्पल्स, मैंने थोड़े से एप्पल्स जो है वो खरीदे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, सुटेबल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, कैन आई हेल्प, शी नहीं हो सकता, ही आप यूज करते हो सेंटेंस। ठीक है, कैन आई हेल्प यू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। सुटेबल प्रीपोजिशन को फिल करना है, तो द बुक इज, अ बुक टेबल के ऊपर होगी, है ना, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है,
अगला जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो है, आपको एक लेटर दिया गया, एप्लीकेशन दिया गया है, ठीक है। अपने हेडमास्टर को एप्लीकेशन देना है 4 दिन की लीव के लिए, क्योंकि आप जो है वो बीमार है, ठीक है। 5 नंबर का है ये आपका। द हेडमास्टर, पहले स्कूल का मतलब कि किसको लेटर लिख रहे हो उनका नाम आ जाएगा, यहाँ पे हेडमास्टर दिया हुआ है ना, तो इस करके हेडमास्टर, अगर नहीं लिखा तो हम द, तो सबसे पहले हमने द हेडमास्टर लिख दिया, फिर स्कूल का नाम इन्होंने हमें दिया है वो स्कूल का नाम लिख दिया, जिस जगह पर है वो लिख दिया, ठीक है। डेट डाल दी, फिर रिस्पेक्टेड सर जो है वो लिख दोगे, उसके बाद जो है विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई हैव बीन इल सिंस यस्टरडे, मतलब रिस्पेक्ट के साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कल से जो है वो बीमार हूँ और डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट लेने को कहा है और जिस वजह से मैं स्कूल को अटेंड नहीं कर सकती। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 डेज, कृपया करके मुझे 4 दिन की जो है वो छुट्टी दें और मैं इसके लिए आपकी बहुत ही आभारी रहूंगी, आपकी आज्ञाकारी, ठीक है, हरजीत सिंह और 7th C। या तो अपने लेटर जो है वो करना है जिसमें कि आप विनोद को जो है वो अपने बर्थडे पार्टी पे इनवाइट कर रहे हो। एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि एड्रेस नहीं दिया तो हम एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे, ठीक है, लुधियाना। उसके बाद जो है वो डेट डाल दी, माई डियर विनोद, लेटर में लिखा है कि तुम्हें जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि मेरा बर्थडे जो है वो 5 मार्च को आता है। आई एम प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट एट होम, और मैं इसे घर पे सेलिब्रेट करने की योजना बना रहा हूँ। देयर विल बी अ प्रोग्राम ऑफ डांस एंड म्यूजिक, तो डांस और म्यूजिक का जो है वो प्रोग्राम रहेगा, डिनर भी सर्व किया जाएगा। ऑल आर फ्रेंड्स आर कमिंग, मेरे सारे दोस्त जो है, हमारे सारे दोस्त जो है वो आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम भी आओगे। आई एम श्योर यू विल एंजॉय योर सेल्फ, और तुम्हें जो है वो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंसियरली नहीं आएगा, योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त प्रेम, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आप एक पीटीआई है स्कूल के, ठीक है, राइट अ नोटिस आस्किंग द स्टूडेंट्स टू एनरोल फॉर फ्री योगा क्लासेस, तो स्टूडेंट को आप बोल रहे हो कि फ्री योगा क्लासेस को ज्वाइन करें, ठीक है। तो फ्री योगा क्लासेस, अटेंशन, यहाँ पे आप स्कूल का नाम भी ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। 19th February 2023, ऑल स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग फ्री योगा क्लासेस फ्रॉम 10th April एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 6 AM to 7 AM शुड कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड बिफोर 7th April। तो जो भी जो है वो योगा क्लास, फ्री योगा क्लास में इंटरेस्टेड है, ठीक है, जो कि 10th अप्रैल से हर मतलब कि मॉर्निंग में जो है वो स्टार्ट होगी 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे से 7 बजे तक, तो वो जो है अपना नाम जो है वो इनको बता दें, ठीक है, BS बेदी, जो कि PTI है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, या तो आपने ये अटेम्प्ट करना था, ठीक है, या अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें कि आप एक मैसेज जो है वो सेंड कर रहे हो टू योर नीस ऑन हर बर्थडे एज यू आर अनेबल टू अटेंड इट बिकॉज ऑफ एन अर्जेंट मीटिंग इन द ऑफिस, कि आप जो है वो उसको मैसेज सेंड कर रहे हो कि आप जो है वो उसके बर्थडे पे जो है वो अटेंड नहीं कर पाए बर्थडे पार्टी को, ठीक है, आपको क्योंकि ऑफिस में अर्जेंट काम था, और SMS जो है 50 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले डेट डालेंगे, फिर किसको लिखा है वो लिखेंगे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, स्टे ब्लेस्ड एंड इन हाई स्पिरिट्स, डोंट माइंड माई एब्सेंस एज आई एम अनेबल टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी ड्यू टू एन अर्जेंट मीटिंग इन द ऑफिस। तो उसको बर्थडे विश किया सबसे पहले, फिर बोला कि मैं जो है वो मतलब कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी को अटेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे जो है वो ऑफिस में काम है, अर्जेंट मीटिंग है। यू विल सून रिसीव अ लवली गिफ्ट फ्रॉम मी थ्रू कुरियर, तो तुम्हें जल्दी ही जो है वो मेरी तरफ से गिफ्ट जो है वो कुरियर के थ्रू मिल जाएगा, तुम्हारा अंकल गुरनाम, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन जो 14 आपको दिया गया है उसमें आपको जर्नी बाय बस, बस से यात्रा का एक पैराग्राफ लिखना है, या फिर आप एक स्टोरी जो है द 3 पिग्स वो लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से ऑप्शन दिया जाएगा, जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं, या जो भी आपको अच्छे तरीके से आता हो। अगला जो क्वेश्चन 15 है उसमें इंग्लिश टू पंजाबी में ट्रांसलेट करना है, किसी 3 सेंटेंस को करना है, 5 सेंटेंसेस आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपको पंजाबी जो है, ठीक है, पंजाबी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पंजाबी जो है वो आपको दी हुई आएगी और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वो भी किसी 3 सेंटेंसेस को जो है वो ट्रांसलेट करोगे। 10 नंबर आपको आपकी गुड हैंड राइटिंग के दिए जाएंगे। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।